आपको लवण जल अपघटन के बारे में जानकारी देंगे। कोई भी पदार्थ जल से अवगत होकर अम्लीयता या क्षारीयता उत्पन्न करता है लवण जल अपघटन कहलाता है। इसमें हम पहले आपको बताने जा रहे हैं सोडियम एसीटेट का जल अपघटन। सोडियम एसीटेट एस्टिक एसिड और NaOH का लवण है। जब इसे जल में घोलते हैं तो यह आयनित होकर एसीटेट आयन और सोडियम आयन देता है, जो क्रमशः हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन से क्रिया करके अल्प आयनित एस्टिक एसिड और अधिक आयनित NaOH का निर्माण करता है। NaOH अधिक आयनित होने के कारण विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, फलस्वरूप विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक उसी प्रकार से कॉपर सल्फेट का जल अपघटन। कॉपर सल्फेट क्यूप्रिक हाइड्रॉक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का लवण है। जब इसे जल में घोलते हैं तो यह आयनित होकर क्यूप्रिक आयन और सल्फेट आयन देता है, जो क्रमशः हाइड्रॉक्सिल आयन और हाइड्रोनियम आयन से क्रिया करके अल्प आयनित क्यूप्रिक हाइड्रॉक्साइड और अधिक आयनित सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जिससे विलयन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, फलस्वरूप विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है।